का हमारी गेस्ट हैं। रेंजर्स वाले बुलाएं क्या? नहीं नहीं, कह रहे हैं बात करते रहेंगे आप। मुश्किल, मुझे ऐसे लगा कह रहे हैं रेंजर्स आ गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अजीका से हम बात करते हैं और अजीका आपके साथ गेम खेलेंगे। मासूमाना मैच की पहली बॉल। अब आप भी मासूमाना मैच भाई, सारे मासूम हो गए। अच्छा, बात सुने, वो चले गए, मासूमाना मैच छोड़ गए। तो मासूमाना में जो है वो पहली जो बॉल है वो है बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो शादी के लिए पैसा जरूरी है या शक्ल? दोनों नहीं। बगैर शक्ल का आदमी चलेगा? दोनों कैसे नहीं भाई? देखिए, पैसे खुद कमाए जा सकते हैं और मिलके भी कमाए जा सकते हैं, और शक्ल से अभी तुम लोग क्या कोई और शो देख रहे हो क्या? शक्ल सूरत से ज्यादा मैं इंटेलेक्ट और पर्सनालिटी पे बिलीव करती हूँ। इंटेलेक्ट और पर्सनालिटी, गुड आंसर। वाह यार, वाह। नजीब, आपको वैसे पर्सनालिटी अच्छी है। हाँ, इंटेलेक्ट से मार खा गए। कामी, आप जब शादी करें, नहीं आपकी तो शादी हो गई है, तो आप क्या ऑप्शन देंगे? यार भाई, हेलो, आप अंदर की बात भी लाइव प्रोग्राम में बता रहे हैं। क्लियर कर दूं, शायद आपको नजर नहीं आ रहा, कामरान अकमल बैठे, शोएब मलिक नहीं बैठे। नहीं, थैंक यू आदी भाई, आपने मुझे बचा लिया। नहीं, दोस्ती का नाजायज फायदा अंदर की बात भी बता रहे हैं लाइव प्रोग्राम में। क्या आपके लिए, आप समझते हैं ये इम्पोर्टेंट होता है, शक्ल हो, पैसा हो? नहीं, इम्पोर्टेंट तो होता है, लेकिन नहीं, ये लड़के के लिए तो शक्ल सूरत होती है ना। लाइक मर्द हजरात तो चाहेंगे कि एक चांद जैसी बीवी आए, ना? खवातीन ऐसा नहीं अक्सर सोचती। अच्छा, चांद जैसी बीवी आए और खूबसूरत, क्योंकि हर माँ को अपना बेटा जो है वो चांद जैसा लगता है, तो बहू भी चांद जैसी चाहिए। आदि आदि हमारा पैसे भी माइंड नहीं कर रहा। नहीं आदि, अच्छा। शादी से पहले सब चांद होते हैं, शादी के बाद सब सूरज बन जाते हैं। लेकिन बाद में लगते हैं। अजी का दूसरा क्वेश्चन, वही बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। एक्टिंग के लिए को स्टार जरूरी होते हैं या स्क्रिप्ट? डायरेक्टर्स। अच्छा, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड चैनल, ये तीन चीजें जरूरी होती हैं। ये तो ऑप्शन ही नहीं है ना, इसमें से बताइए। मैं आपको बता, मैं हकीकतन जवाब दे रही हूँ ना। लेकिन आप समझती हैं, अच्छा डायरेक्टर हो, आप सच्चाई वाला ऑप्शन भी डालते। अच्छा डायरेक्टर हो, स्क्रिप्ट अच्छी ना हो तब भी चलता है? वो देखिए, बना देते हैं। अच्छा, मैंने इस तरह से कई डायरेक्टर्स के साथ काम किए, वीक स्क्रिप्ट्स पे वो रीराइट कर लेते हैं, वो एग्जीक्यूट इस तरह से करते हैं कि वो विजुअली अपीलिंग लगता है। तो आप आवाम को क्या कैसे दिखा सकते हैं, वो डायरेक्टर का कमाल है। ठीक है, और फिर प्रोड्यूसर का, जिसने पैसे लगाने और आपको प्रमोट करना है, एंड ऑब्वियसली द चैनल। प्रोड्यूसर और चैनल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्ती के लिए ऑनेस्टी जरूरी है या फन? ऑनेस्टी। इसलिए तो दोस्त नहीं है मेरा कोई। मैं सिर्फ फन हूँ। अच्छा, मुझे भी अपना अजीब भाई, सॉरी नजीब ना, गलती से अजीब निकल गया मुझे। नहीं नहीं, नजीब भाई, नहीं। मैंने सबसे ज्यादा आपके साथ ही काम किया। आप तो मेरा प्यार हो, मेरी जान। अगर कोई पंगा कहे यहाँ पर, कोई भी पंगा कहे, बता दीजिए मुझे। मेरा सपोर्ट है। नहीं नहीं, देख लिया। दूसरी बात मैं बताऊँ आपको, एक दिन इन्होंने मुझे कॉल की एक फिल्म के लिए, इन्होंने कहा काम करना आ जाओ, जैसे इन्होंने कहा काम होता है। मैं गया इनके पास, मैंने कहा हाँ बताओ भाई स्क्रिप्ट, बोला भाई काम के लिए बुलाया है, फिल्म में काम के लिए नहीं। फिर रंग करवाया इन्होंने मुझे पूरा। अच्छा, मासूमाना मैच में अगली बॉल जो है वो है यस और नो। यस और नो आपने करना है, और इसमें आपका जो पहला सवाल है वो है, अक्सर प्रोजेक्ट्स को स्टार्स के नाम सुन के छोड़ देती हूँ। यस यस यस। कौन सा छोड़ा था लास्ट टाइम? आगे छोड़ूंगी। आगे। वाह। वेरी गुड रेंजेस। गुड आंसर। समझ में आया जावेद भाई को। सोशल मीडिया पर मेरे हवाले से हर खबर सच है? नहीं। तो क्या आपको लगता है कि आपके बारे में क्या बातें हैं जो झूठ हैं? मेरे ख्याल से मैं कंट्रोवर्शियल इंसान नहीं हूँ इतने। कंट्रोवर्शियल?
नहीं हूँ, इतनी खबरें नहीं चलती मेरी सोशल मीडिया पे, और अगर चलती हैं तो मुझे पता नहीं होता। चले इसी से रिलेटेड अगला सवाल, सोशल मीडिया वेस्ट ऑफ टाइम है? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। आपका कितना टाइम सोशल मीडिया पे गुजरता है? बहुत कम, मैं बीच बीच में सोशल मीडिया डिटॉक्स पे जाती हूँ, तो हफ्ता हफ्ता नहीं चेक करती। अरे वाह, इस चीज में तो हम दोनों सेम है। हाय बाय। मेरा भी यही सीन है, मेरा भी यही सीन है। आपके पास तो मोबाइल ही नहीं है सोशल मीडिया वाला। हाँ वो छीन के ले गए ना, वो कर रहे हैं। अच्छा अगला सवाल है, बहुत बार सोचती हूँ इंडस्ट्री छोड़ दूँ। यस, इसको सीरियस लो आप इस बात को। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे बिल्कुल सीरियस ना ले। वजह क्या है, ऐसा क्यों सोचती है, क्यों ये ख्याल आता है? बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं और हैं। हाँ तो वक्तन फवक्तन ये ख्याल आता है। ये आपके दिमाग में खुद आता है या कोई डाल रहा है आपके दिमाग में? नहीं, मेरे दिमाग में खुद आता है, डालने वाले तो वो तो जब आप इंडस्ट्री में आते हो तब से ही आपको कहते हैं कि आपका कुछ नहीं होने वाला, जाएं घर जाएं। बिल्कुल ऐसी। तो इसी पे अगला सवाल, शोहरत के लिए सोशल होना जरूरी है, यस और नो? यस, सोशल होना जरूरी है। आपको इवेंट्स अटेंड करने पड़ते हैं, लोगों से मिलना पड़ता है बहुत ज्यादा, जो कि मैं नहीं करती। ठीक है, नजीब भाई आप इस सवाल का जवाब क्या देंगे? मैं इस सवाल का जवाब दूंगा कि जी बिल्कुल, सोशल होना जरूरी है। ठीक है, आज क्योंकि हमारे पास एक सेगमेंट है जो वसीम बदामी शुरू करके गए हैं, तो उसको हम आगे लेके चलते हैं। आपका पसंदीदा शेर, और फिर उसके बाद ये भी सुनाएंगे। अच्छा, ये शेर मैंने कैरेक्टर प्ले किया था, उसमें मैं शायरा थी, तो वो वाला शेर याद है, वो ही सुनाऊंगी। जी जी। कभी चांद कहा उसने, इरशाद। इरशाद। हमारी क्राउड थोड़ा डिले हो गई। एक सेकंड, इरशाद आया हुआ है, इरशाद आ गया। कहाँ है? जी। इरशाद मतलब शेर गई। ओ अच्छा। जी। अरे ये लेट आया है, दफ्तर में था। बस आप पहुंचाइए। ये कोई और प्रोग्राम है। जी अजीका। हाँ। कभी चांद कहा उसने। वाह। कभी चांद कहा उसने। वाह। और कभी जमीन पे गिरा दिया। वाह। कभी जमीन पर गिरा दिया। वाह। बस इतना ही था। बस। मैं आपको एक मशवरा दूं, मैं आपको एक मशवरा देता हूं, आप इंडस्ट्री छोड़ने का सोच रही थी, आप शायरी। मैं हमेशा इस शो पे आने से पहले यही कहती हूं, शेर और शायरी मेरा फोर्टे नहीं है। हाँ, नहीं, 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 ये यकीन माने या किसी का भी नहीं। वैसे इतना आदि शेर और शायरी वाले ये दो सुनाइए। क्या वसीम बदामी की ख्वाहिश थी कि आप एक अच्छा शेर सुनाएंगे, आज सुना दें। मैं क्या सुनाऊं? शेर? हाँ, इरशाद। आदि आदि आदि, इतनी मोहब्बत मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्योंकि मैंने बहुत हेवी शेर सुना दिए, इसीलिए। आपको पता है मैं और मेरी अम्मी रोज दोपहर में बैठते थे, मेरी अम्मा मुझे सीधे हाथ से लुकमा खिलाती थी और कहती थी बेटा ये याद कर लो। मैं कहता था मामा मुझे याद कराएं, क्योंकि मैंने वसीम भाई को शेर सुना है। अब जब वसीम भाई इधर नहीं है तो मैं दिल हल्का मत कर, नजीब भाई तो है। अच्छा मजे की बात बताऊं आपको, वसीम भाई की वजह से कम रो रहा, आपकी वजह से ज्यादा रो रहा है। अब सुना भी दो। नहीं मुझसे नहीं होगा, माजरत, मैं कोशिश करूंगा, अभी तो मुझसे नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आपके शो खराब ना करूं और शेर सुनाऊं, लेकिन आपको मैं जैसी देख रहा हूं ना, तो मेरे दिमाग में शेर नहीं आ रहा, और जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो अगर मैंने बता दिया तो कल से फिर शो नहीं होगा, तो प्लीज आप देखो पब्लिक डिमांड पे। अब आप लोग ही मेरा सहारा हो, आप लोग के ही सहारे में जीऊंगा आखिरी 7-8 दिन। जावेद भाई आप सुनाओ यार, मुझे छोड़ो। आज किया है और शुरू हो गया यार, आप दो मिनट सपोर्ट तो करते। असल में मेरी शायरी कुछ सुनता नहीं है ना, यही सुनते सारे। सुनाइए सुनाइए, शायरी छोड़ दो मैं भी। जी जी। अच्छा आज मैं आपको मजे की बात में शायरी से ज्यादा मैं आपको मेरा फेवरेट एक सॉन्ग है वो सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ, और भाई जरा म्यूजिक देखिएगा। मैं यही कहती के प्यार मत करना, आप प्यार करो, करो आप लोग करो प्यार, मगर किसी परदेसी का इस्तेमाल मत करना। क्या जबरदस्त, क्या जबरदस्त, वाह वाह वाह।
तो लगता है कि यहाँ कोई शेर तो सुना नहीं रहा, तो ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से पहले मैं एक शेर सुना देता हूँ। अरे दो गज ही सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। वाह 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 वाह। दो गज ही सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, ऐ मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू हरलामा पुरजोश। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त मैच जारी है कराची किंग और पेशावर जलमी के दरमियान। पेशावर जलमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं कि अच्छी पोजीशन में तो नहीं है, लेकिन अभी उन्होंने एक विकेट हासिल कर लिए। जेम्स विंस आउट हुए हैं अब से कुछ देर पहले। अगर हम थोड़ा सा लाइव मनाजिर भी दिखा सकें तो आपको दिखाएंगे कि मैच में इस वक्त क्या चल रहा है। तो ये है पोजीशन, टिम साइफर्ट 39 रन्स पर इस वक्त खेल रहे हैं, नॉट आउट है, और उनके साथ अब नए बैट्समैन आ गए हैं। जेम्स विंस आउट हो चुके हैं। मैच में हम आपको फिर थोड़ी देर बाद अपडेट करेंगे। अज़ीका डैनियल्स आज हमारी गेस्ट हैं और उनके साथ मासूमाना मैच की अगली बॉल खेलते हैं हम। और ये है अवामी सर्वे। अच्छा। तो मुझे वसीम बदामी ने ये बताया था कि हमने कोई बहुत सारे 24-25 लाख लोगों से सर्वे लिया है और उसके बाद हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, लोग उसमें क्या सोचते हैं वो आंसर्स आपको गेस करने होंगे। अच्छा। तो सवाल ये है, सवाल आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा जी। किसका गुस्सा मजबूरन बर्दाश्त करना पड़ता है? आप अपनी आवाम से नहीं, ऑडियंस से नहीं, आप हेल्प ले सकती हैं आदि से, बहुत ही एक्सपर्ट जीनियस आदमी, इसके पास हर चीज का जवाब होता है। मैं अपने सारे मसले लेके इसी के पास जाता हूँ। लेजेंड क्रिकेटर जावेद भाई, जावेद भाई को तो वैसे ही सब पता है। फिर कामरान अकमल से भी पूछ सकती हैं। अच्छा। हाँ। और बासित भाई तो वैसे ही हेल्प करने को तैयार है। तो आप बताइए लोगों ने सबकी हेल्प करनी है। बासित भाई भी बैठे थे, मेरा नाम कब लेगा, मेरा नाम कब लेगा। मैं कह रहा हूँ सबकी हेल्प करने को तैयार है। अच्छा, तो लोग क्या गेस कर रहे हैं वो आपको गेस करना। अच्छा, माँ बाप का। माँ बाप का क्या लगता है? मजबूरन तो नहीं, मतलब मजबूरन ही करना पड़ता है, और अपने शोहर का और बीवी का। ये तो आप सारे रिश्ते गिना दें। नहीं, एक-एक करके बताइए। तो सब आ जाएंगे ना भाई? ये सोचें आप के लोगों ने किस सीक्वेंस में क्या जवाबात दिए होंगे, ए बी सी डी, और उसको आप गैस करें। कोई जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में हो, बट सोचे कि क्या जवाब सबसे ज्यादा आ रहा होगा आपके जहन में, क्या आ रहा है। मियाँ बीवी आपने अच्छा कहा, मियाँ बीवी करना पड़ता है। बीवी का, बीवी मियाँ का। हालांकि मेरी हुई भी नहीं है। मुत्तफिक है मुझसे, थैंक यू। अच्छा, तो सबका एक हाँ। या मशवरा है आपको जी, मियां बीवी को लॉक कर दो भाई। नहीं नहीं, उनको लॉक नहीं करो। और चाबी। तो मेरा ख्याल है चेक कर लेते हैं कि क्या इस बोर्ड पे मियां बीवी का रिश्ता ऐसा है कि जिसमें गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ता है। वेरी गुड, तो अच्छा गेस किया। इसके बाद क्या लगता है और कौन हो सकता है जिसका गुस्सा जबरदस्ती बर्दाश्त करना होता है? अच्छा, जबरदस्ती बच्चों का मुझे लगता है आपके एम्प्लॉयर्स का, जो आपको तनख्वाह दे रहे होते हैं। बॉस 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 का एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं। क्या कहते हैं, हर चीज बर्दाश्त करनी पड़ती है। बॉस का, बॉस का तनख्वाह से याद आया, ये तेरे भाई की सीवी है वसीम, नहीं है, दे दीजिए आगे। हम सब अपनी अपनी सीवी जमा करवा देते हैं आज। तो एक आंसर आ गया है, बॉस। बॉस, बॉस आपके हिसाब से लॉक किया जाए ना? बॉस का सब चीजें बर्दाश्त करें। बॉस को लॉक, क्या इसमें बॉस है? अरे बी फॉर बॉस, बी फॉर बॉस। ये तो मेरे ख्याल से ऑब्वियस है। भाई आदि जो ना मैसेज कर रहा है, मोबाइल चेक करें। हाँ, तो कोई बात नहीं, इतनी खूबसूरत लड़की अगर इसकी हेल्प कर भी थी तो क्या हो गया है। लेकिन मैं आदि को जानता हूँ। अच्छा, मैंने आदि को कहा मैं भी मैसेज करूंगा, इसलिए गलती से बासित भाई का नंबर दे दिया मुझे। मैं आपको कह रहा हूँ भाई। अच्छा, दो आंसर्स आ गए हैं, दो रह गए हैं। हाँ, क्या कहती हैं? अब आप लोग कुछ मुझे मशवरा दें। मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि शादी जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए। मैं आपको दे रही हूँ, आप कर लें। मेरे ख्याल से हम दोनों को ही जल्दी कर लेनी चाहिए। मेरी तो हुई भी है। नहीं वैसे ही है। नहीं नहीं, जनरली जल्दी कर लेनी चाहिए। वो कह रहा है जल्दी कर लेनी चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन उसमें इसका क्या?
इसमें मुझे ऐसा लगता है और आपको गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ता है. हम अपनी क्रिकेट फील्ड से बता सकते हैं. आप अपने क्रिकेटर से थोड़ी पूछा, आम पब्लिक से पूछा है. वासे भाई तो कंप्यूटर इंजीनियर भी है. मुझे लगता है माँ बाप का भी कभी कभी मजबूरन रिश्तेदारों का भी. अरे उनका गुस्सा बर्दाश्त करना चाहिए. जो पीछे डाले के पीछे जो गार्ड लेके घूम रहे होते ना, उनका भी गुस्सा बर्दाश्त करना चाहिए ना. मुंह पे गोली मार दे ऐसे जो साफ हो गए इलाके के. ऐसे लेकिन सोचना ये कि क्या पब्लिक ने ये जवाब दिए हैं जो आदि दे रहे हैं या जावेद भाई दे रहे हैं. व्हाट अबाउट पुलिस? पुलिस का गुस्सा बर्दाश्त करना चाहिए. आजकल मैंने देखे बदतमीजी करते हैं लोग. अच्छा नहीं, आपसे भी हमारे इलाके में तो सही है. पुलिस वालों से नॉर्मली. अच्छा, मेरे इलाके के पुलिस वाले सबसे अच्छे हैं. आपने पुलिस वालों को पूछना इनसे की तो. इनसे क्यों कर रहे हैं? नहीं, खाली पुलिस नहीं, मैं समझता हूँ कि और भी somebody in position of power. हाँ, तो जिनके पास पावर हो, पोजिशन हो, जिनके पास असला हो, जिनके पास चाहे वो डकैत क्यों ना हो. मेरे पास नहीं है ऐसे करेंगे. इशारा कामना नकवी की तरफ. सॉरी, नहीं मेरे पास तो ये पिस्टल अंदर है. इसका क्या, इसका इस किस्म का कोई आंसर है तो प्लीज उसको लॉक करें. हाँ अच्छा जी, वो उसमें आ जाता है पोजीशन ऑफ पावर, जिससे आप पुलिस भी आ सकती है. एक आंसर रह गया है. मेरे ख्याल से आपके घर में जो हेल्प है. हाँ क्यों भाई? वो अगर गुस्से में तो बर्दाश्त करो, वरना चली जाएगी तो फिर कल जावेद भाई का मोबाइल नहीं छीन के लेके गए थे, गुस्से में लेके गए. हाँ वो गुस्से वाले चोर डाकू वगैरह जो ऐसी. लेकिन वैसे आपने बच्चों का भी सही कहा था. बच्चों का आपने खुद ही तो कहा था. बच्चों का गुस्सा. बच्चों का गुस्सा हाँ, क्योंकि आजकल के जेनरेशन बच्चों के लाड उठाए जाते हैं, उनका प्यार नहीं, होता नहीं, है नहीं. गुस्सा बर्दाश्त. अब जो जेनरेशन है ना वो बड़ा तजुर्बा आप मुझे लगते है बच्चों का. बच्चों का हाँ. तो चेक कर ले अगर है तो ठीक है, नहीं है तो क्रॉस लगा दें. अरे यार आदि का गुस्सा ही किसी को बुला लेगा. दोस्तों का गुस्सा नहीं, दोस्तों का क्यों बर्दाश्त करें. अच्छा चले एक हिंट देता हूँ आप. इसका ताल्लुक पैसों से. अरे उधार उधार जिससे उधार लेना हो उसका गुस्सा बर्दाश्त. यस यस ही इज राइट. कुछ सोचने भी देते जिसको उधार दिया हो. जिसको उधार दिया हो, जिसको उधार दिया हो उसका गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ता है ना. वो बोले मैं नहीं दे रहा अभी. जिसको नहीं नहीं दोनों तरफ से, जिसको दिया हो जिससे दिया हो. नहीं नहीं कराची वाले ऐसा नहीं सोचते. अरे आप इधर आ जाइए. का भी रुकावट बन रहे. बासित भाई अपने कैमरे में से निकल निकल के हेल्प कर रहे हैं. उधार वालों का. चले आदि जवाब से. बैंक वालों का. बैंक वालों का पैसा होता है. बैंक वालों का गुस्सा क्यों बर्दाश्त करेंगे? मैं अकाउंट क्लोज करवा देती हूँ. कोई उल्टी बात करें, नए बैंक में चले जाते हैं. उधार का, उधार देने लेने वाले का कोई भी कुछ इस तरह का आंसर है तो उसको लॉक किया जाए. उधार देने वाले का. आदि भाई चले बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा जबरदस्त आपने जवाब दिए. यहाँ लेते हैं एक और ब्रेक और फिर कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को. कहीं मत जाइएगा. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक वंस अगेन टू हर लम्हा पुरजोश. और नाजरीन स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे अब मैच लाइव मनाजिर. मैच की सिचुएशन ये है कि 70 for 3 out है. अब से कुछ देर पहले एक अपील भी की गई, रिव्यू भी लिया गया, लेकिन स्टंप नहीं हुए. शोएब मलिक, मेरा ख्याल है शोएब मलिक जो है वो थोड़ा लग रहा था कि शायद स्टंप हो गए. दोनों बैट्समैन जो इस वक्त पिच पर मौजूद हैं वो अभी अभी आए हैं. नियाजी 2 run पे खेल रहे हैं, मलिक 4 run पे खेल रहे हैं. 70 for 3 जो हम बात कर रहे थे कि पिच बड़ी खतरनाक है, वही नज़र आ रहा है कि 147 भी बड़ा मुश्किल लग रहा है. बासित भाई, कामरान जल्दी जल्दी अगर क्विकली इस पे कुछ कहना चाहें. देखिए मुश्किल है पिच, पहली इनिंग में भी मुश्किल लगी. अभी भी कराची को 78 run चाहिए 52 balls पे. मलिक जितनी देर है, नियाजी फॉर्म में है, इन में से एक को जरा गेयर चेंज करना पड़ेगा. बिल्कुल सही. तो एवरेज ऊपर चली जाएगी तो प्रॉब्लम. ऐसी पिच है कि बैट्समैन रिटायरमेंट ना ले लें. ये बैट्समैन के लिए आ सकती है.
बिल्कुल सही है. अब जल्दी से हम प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं. कल का मैच ऑब्वियसली अगेन बार बार वही बात कर रहे हैं कि चार टीमों का तो पता है कि कौन जा रही है प्लेऑफ में, लेकिन जो टॉप टू पोजीशन है उसके लिए ये मैचेस फिर भी इंपॉर्टेंट है. कल के मैच मुल्तान सुल्तान कोयटा ग्लैडिएटर्स, बासित भाई क्या कहेंगे? सीनियर से पूछे ना, यहाँ से शुरू करें. बासित भाई. अच्छा मुल्तान भाई. हाँ मुल्तान, ठीक है बासित भाई की कॉल है. मुल्तान. कामरान. मुल्तान. मुल्तान. अजीका मुल्तान इस वक्त फेवरेट चल रही है. ये तो कोयटा, ये तो कोयटा बोलेंगे. कोयटा. कोयटा. आप अजीका, आप कोयटा से वैसे? नहीं 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 नहीं, लेकिन उनकी फेवरेट है भाई. अच्छा नहीं, मुझे ऐसे ही लगा क्योंकि कोयटा के लोग बहुत खूबसूरत होते हैं तो मुझे लगा आप वहीं से. मैं कोयटा, मैं कोयटा का हूँ. ठीक है मैं कोयटा का हूँ. सही है क्योंकि कोयटा भाई. आप टीम का पूछे ना, वो कोयटा ग्लैडिएटर. कोयटा ग्लैडिएटर बता दिया. कौन जीतेगा ये पूछो ना. है कौन जीतेगा? यही कहा कोयटा जीतेगा. ठीक है अबे दादा कोयटा लॉक करो. कोयटा लॉक कर दिया जी. तो सबकी प्रेडिक्शन आपने सुन ली है. अजीका हम आपको खुशबुओं के साथ रुखसत करेंगे. दिस इज फ्रॉम कभी हमें तो किया नहीं. ये आपके साथ जाएगा. थैंक यू सो मच. आज थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. आज मैं सबसे मजे की बात बताऊं आपको. ये बहुत मेहनती लड़का है, यहाँ लेट हो रहा था, इसका रुमाल नहीं आया था, जल्दी से मोजा लगा के आया. ये मैं दिखा देता हूँ, रुमाल ही है. अच्छा ओ रुमाल. अब हम एक चलते चलते आखिरी गेम खेल ले. और आखिरी गेम जो है उस पे आपको बताना है अजीका के बॉल कहाँ जा रही है. बैट्समैन ने जो शॉट मारा है तो बॉल किस तरफ जा रही है. तो मासूमाना ओवर की लास्ट गेम जो है और स्क्रीन पे आ जाएगी. ये देखिए ये बैट्समैन खेल रहे हैं. आपको बताना है ए बी सी. जब वो शॉट खेलेंगे बॉल कहाँ जाएगी आप मशवरा ले सकती हैं. बासित भाई ए कह रहे हैं और मैं भी सीख गया. अब आप पे आप दोनों में से या अच्छा ये तो पहले भी दिखाया है जावेद भाई. रोज एक ही दिखा रहे हैं कि फुटेज है. ये बॉलर कौन है? ये बॉलर है लड़का. लड़का बॉलर है नहीं समीन गुल. समीन गुल बॉल करा रहे हैं. अब्दुल्ला शफीक बैटिंग पर है. इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए आपको? ये कौन सी बॉल हो रही है? आप एक काम करो, आप कल के शो में भी आ जाओ. मीडियम पेस है. मीडियम. अच्छा आपने क्या कहा था? मैंने कहा ए, कामी ने कहा सी. मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे गर्मी लग रहा है. आप जावेद भाई से पूछ लें. जावेद भाई का मशवरा लें. ये बॉलर कौन है? समीन गुल. समीन गुल. इसका नंबर दे. चले जल्दी से जल्दी से. सी. सी. देखते हैं क्या आंसर है. देखा? अरे वाह जबरदस्त. अजीका कभी गलत नहीं कह सकती. अजीका आप तो स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में भी आइए. फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में, हमारे इस हर लम्हा पुरजोश में बस इतना ही. दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हुसैन को इजाजत. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.